के लिए इतना ही कह सकते हैं कि कहते हैं कि जो पानी गहरा होता है वो स्थिर होता है, जैसे कि प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशन। तो ये बहुत बड़े छुपे रस्तों हैं, जितने शांत दिखते हैं स्पोर्ट्स के लिए उतने ही ज्यादा जोशीले हैं। तो अब स्वागत कीजिए प्रशांत सागर जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा का। थैंक यू। व्हाट्स अप बॉयज, कैसे भाई लोग? सब लोग रेडी है खेलने के लिए? ओके, सो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे अब। तुम लोग कब से वेट कर रहे हो हमारे लिए? थैंक यू। आई थिंक पहली बात, जैसा कि मैं समझता हूँ, जैसा कि सर ने कहा, मुझे स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छा लगन और पैशन है। मैं बचपन से खुद खेलता आ रहा हूँ और मैंने कुछ ही दिन पहले एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा था नेल्सन मंडेला का। उन्होंने कहा था कि स्पोर्ट्स हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, मतलब स्पोर्ट्स में शक्ति है पूरी दुनिया को बदलने के लिए। और आज जो हम आपको खेलते हुए देखने के लिए आए हैं, तो वही देखने के लिए आए हैं। जो टीम यहाँ से जीतेगी वहाँ पे वो एक इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए जाएगी, तो एक बहुत ही प्राउड सी फीलिंग होती है कि हमारे देश में, हमारी सिटी में ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कंपनी जो उसको सपोर्ट कर रही है। मैं चाहूंगा कि एक साल नहीं, अगले 50 सालों तक चले और तुम में से एक टीम जाके वर्ल्ड कप जीते हमारे लिए। यार कम ऑन, सो थैंक यू। मैं भी फील्ड पे आने वाला तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत खेलने के लिए। एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बेस्ट ऑफ लक बॉयज एंड गर्ल्स, एंड आई विल सी यू ऑन द फील्ड। फुटबॉल काफ़ी खेल चुका हूँ बचपन में, अभी भी जब भी समय मिलता है हम लोग खेलते हैं। सब आपने फोटोज़ देखी होगी, एक ऑल स्टार सॉकर टीम है यहाँ पे। दिल्ली में तो काफ़ी हम लोग गली में खेलते थे, अपनी लेन में खेलते थे, तो मैं समझ सकता हूँ कैसे ये बच्चे अपने जहाँ भी एरिया से आए वहाँ पे कैसे प्रैक्टिस करते थे। बिकॉज हम भी जैसे कि सर कह रहे हैं, सिर्फ एक बॉल चाहिए थी और दोस्त चाहिए थे खेलने के लिए। कोई रूल्स नहीं फॉलो करते थे, बस मस्ती करते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे। एक एक दो दो घंटा पसीने निकल रहे हैं, खेले जा रहे हैं, और उस टाइम पे हम लोग कुछ गलत नहीं करते थे। तो आई थिंक स्पोर्ट्स की बदौलत हमने काफ़ी कुछ सीखा है लाइफ के बारे में, मैंने कुछ काफ़ी कुछ सीखा है लाइफ के बारे में। मैं फिर से कहना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग कोट है दैट नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि स्पोर्ट्स हैज़ द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, एंड आई डिड ट्रूली बिलीव इन इट। एंड आज का इवेंट उसका प्राइम एग्जाम्पल है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड होप दे गो फॉर मेनी मेनी मोर इयर्स। ओके, आपकी ऑल स्टार टीम है, हां जी, कम्स टू फुटबॉल, हु इज द बेस्ट? बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं वहाँ पे यार इन द इंडस्ट्री। आई नो आदित्य रॉय कपूर प्लेज रियली वेल, रणबीर कपूर प्लेज रियली वेल, सुजीत सर ही इज अ डायरेक्टर, ही प्लेज रियली वेल, एंड देन वी हैव लोड्स ऑफ अदर प्लेयर्स। आई हैव प्लेड विद दीज मेनी, सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम होपफुली इफ आई कैन मेक द टाइम आई विल बी देयर फॉर वन ऑफ द मैचेस। काफ़ी घुटन होती है अगर मैं घर से बाहर ना निकलूँ या बाहर एक्सपीरियंस ना करूँ। जैसे आज मैं आया हूँ फील्ड पे इनके साथ खेलने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए, वैसे ही मेरे को किसी और दिन में कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, तो मैं निकल पड़ता हूँ। आई थिंक कोई भी एक्टिविटी आप घर से बाहर करें आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, और काफ़ी कामिंग और सूदिंग और रिलैक्सिंग होता है माइंड के लिए। तो या आई थिंक आई टोटली इंडोर्स दैट आउटडोर एक्टिविटीज एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री। इतना अमेजिंग है व्हेन दे गेट कोच, यहाँ पे जो कोचिंग मिलती है आपको, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो आप वो स्किल अक्वायर कर सकते हैं। एंड वी नेवर नो, वी माइट गेट सम ग्रेट इंडियन फुटबॉलर्स हियर, व्हिच इज अगेन बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सर के थ्रू। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू देम टू प्ले एंड कीप रिहर्सिंग एंड प्ले फॉर आवर कंट्री वन डे।